सो गाइस वी रीच्ड, भाई पीछे गाय है, मार नहीं दे यार, मैं रीच्ड बोला वैसे पीछे गाय आ गई। बाकी ये देखो इधर पीछे की तरफ, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है गोमुख रास्ता, तो ये वाला जो रास्ता जा रहा है अपन को इधर से यूँ निकल के आगे की तरफ जाना है, तो चलो चलते। एंड चारों तरफ बंदर ही बंदर है यार, तो बंदरों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है यार, खाने को नहीं दो तो भाई गलत ही सीन हो जाता है। इधर भी बैठा हुआ है बंदर, और भाई वो तो अलग ही सीन चल रहा है उस बंदर के, तो देखोगे तो ये देखो ये तो भाई उल्टा भाई जन्नत में लेटा हुआ है भाई, इसका अलग ही सीन चल रहा है भाई। जहर यार वो भाई उल्टा लेटा हुआ है मजे से, और फिर दांत और दिखा रहा है। और बाकी अब यार ये देखो भाई अल्टीमेट सीन ये है, क्या लग रहा है भाई देखो ऑसम कैसा है। अभी ये मेरे भैया जी जा रहे हैं और ये हमारे मित्र है, लाओ व्लॉग में आप भी लोग आ जाओ, हाय बोल दो एक बार। हेलो गाइस ऑल ऑफ यू। तो अब हम सब जा रहे हैं, एंड ये थोड़ा कच्चा ही रास्ता है पहाड़ों में, इधर बंदर बैठे भाई, बंदरों से थोड़ा बचकर। यहाँ वाले पचकुंड वाले बंदर ठीक है जहाँ पे हमने केले दिए, यहाँ थोड़े आक्रामक है, भिड़ते भाई कारों के ऊपर कूद रहे थे। ये बंदर दांत दिखा रहा है, ये भी ठीक है। चलो अभी चलते हैं आगे, उसके बाद मैं ऑन करता हूँ इसको। देखो नजदीक से लेते हैं सर, पता पड़ेगा। वाह 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 सर, बैठा बेचारे तो कोई किसी को कुछ ही नहीं करते, चाइनीज नहीं बेचारों को खाने वाने के लिए नहीं है ये बात है। ये चाइनीज नहीं, ये सबसे खतरनाक है, इनके पूछे पैर मत रख देना इनके बेचारों के, वरना भाषा लूम जाएंगे वो, इतने जाने के अपने को ठोक ठोक के लाल कर देंगे सारे मिलके। बहुत है यार। गाइस चारों तरफ बंदर है यार, बच बच के जा रहा हूँ मैं। देखो पेड़ों पे ऊपर भी चढ़े हुए हैं, एंड ये देखो एक इधर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, सही सीन है। एक कच्चा रास्ता है तो थोड़ा कैमरा स्टेबल नहीं होगा। चलो देखो एक ये लाल मुंह का बंदर ऊपर बैठा लंगूर, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा पचकुंड के लिए, गोमुख वाला मंदिर आएगा आगे। पहाड़ गजब दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा अब आपको। तो देखो ये है झरना, ठीक है ये पूरा झरना है, पर अभी बारिश होना स्टार्ट ही हुई है तो बह नहीं रहा, वरना ऊपर पहाड़ों पे से पूरा पानी बहता हुआ आता है यहाँ। तो कभी उस टाइम का भी मैं व्लॉग करूँगा, बट अभी तो देखो सूखा पड़ा है यार, अभी केवल सावन की शुरुआत ही हुई है तो बारिश अभी है नहीं। तो भाई लोग पहाड़ चढ़ रहे, पहाड़ के ऊपर है गोमुख द्वार, तो चलो आगे की तरफ चलते अपन, अभी और ऊपर जाना है बहुत। ऐसा नहीं लग रहा गाइस, पीछे पीछे देखो पूरा पहाड़ है, एंड वो पीला पीला से दिख रहा होगा वो मंदिर है, वहां तक अपन को चलना है, तो चलो। तो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच गए अब अपन, पीछे की तरफ में गोमुख मंदिर है, एंड चलते अभी यार, पहाड़ भाग भाग के चल दिया तो मैं थक गया हूँ थोड़ा, रुकते
फिर बाकी की व्लॉगिंग शूट करता हूँ। क्रिएटिन तो काटने काम करते, काटोगे क्या? तो चलिए गाइस अपन यहाँ पर आ चुके हैं गोमुख, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पानी निकल रहा है और ये निकलता रहता है एंड ये कुंड में आ जाता है। सामने मंदिर है छोटा सा और ऊपर आप पढ़ ही सकते हो गंगा माई का मंदिर व गोमुख बाण गंगा निरंतर जल प्रवाह, बाकी इधर श्लोक वगैरह लिखे हुए। एंड ये देखो थोड़ा और पास से मैं दिखाऊँ तो सो फाइनली रीच्ड गाइस एंड थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ओके तो पीछे की तरफ में है एंड ऊपर की तरफ मंदिर है, तो चलो मंदिर की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर गाइस अपन जा रहे हैं मंदिर की तरफ, ऊपर में मंदिर है एंड ये थोड़ा बारिश में स्लिप भी हो रहा है, बाकी इधर पेड़ वगैरह देखो, मत पेड़ वगैरह दिखेंगे। विश्वनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर जी ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले तात, पहले जिन रपश्रेष्ठ बद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव जी ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार बद्रायु जब राजतु में वन विहार करने के दर्शन वगैरह हो गए। एंड आइए मंदिर के मैं बताऊं तो प्राचीन काल पांडव जब थे उस समय का ये मंदिर है, वही लोग यहाँ पर पूजा किया करते थे। एंड भाई पीछे की तरफ देखो यार, पूरा पहाड़ों के अंदर है ये मंदिर। एंड जो गोमुख है वो एक तरह से बोलते हैं कि वो गंगा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा भी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी बाण गंगा नाम से है, तो ये वही है। एंड पीछे की तरफ में देखो पूरा पहाड़ एंड इधर की तरफ भी पहाड़। अभी ये मंदिर है, ये मंदिर की परिक्रमा है, तो वहाँ है अभी अपन। बाकी ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है एंड यहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं यार, क्योंकि ये पुष्कर से थोड़ा हटके है और बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं होती जो पुष्कर घूमने आते हैं। तो अगर आप में से कोई पुष्कर घूमने का प्लान बना रहा है तो पंचकुंड जरूर आए, गोमुख द्वार ये वाला जो कुंड है इसका दर्शन जरूर करें। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपन वापस घर की तरफ निकले गए, काफ़ी देर हो गई, बारिश में भीगे हुए भी है, व्लॉगिंग भी चल रही है, तो बाकी सब सीन सही है। चलो अब चलते हैं आगे, देखते हैं और कोई बंदर वंदर दिखे तो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो सीन कितना मस्त लग रहा है गाइस। सो गाइस आई होप आपको ये गोमुख वाला मंदिर काफ़ी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है
कमेंट्स में बताना। बाकी फिलहाल के लिए इस वाले व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको प्लेस अच्छी लगी होगी, पूरा पहाड़ों में मंदिर और गोमुख के अंदर से पानी निकल रहा है, वो हमने पिया भी था। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार वहाँ थोड़ा कादा वादा, थोड़ा मतलब चिकनाहट हो रही थी, स्लिप हो जाते, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर कैमरा अंदर रख लिया था। बाकी व्लॉग अच्छा लगा है तो क्या करना है पता ही आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, 10K करना है फटाफट, सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।